जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों ये आज हम चांदी को बरादा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वैद्य लोग चांदी का कुस्ता तैयार करते हैं तो सबसे पहले उनके लिए ये दिक्कत खड़ी हो जाती है कि चांदी को बरादा कैसे करें। कुछ लोग रेती से करते हैं तो बहुत कठिनाई वाला, मुश्किल वाला काम है। आज हम चांदी को नाइट्रिक एसिड में डाल के उसका बरादा करेंगे। पीछे आपने देख लिया कि चांदी को मैंने नाइट्रिक एसिड में डाला था। घर में कुछ पुराने जेवर पड़े हुए थे 50-60 ग्राम के करीब, वो मैंने इसके अंदर डाले हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से मेरे को चांदी बाज़ार से नहीं मिली, तो ये इसके अंदर मैंने नाइट्रिक एसिड डाला था। अभी ये लगभग आधे से ज़्यादा इसको खा गया है, बाकी थोड़ा इसके अंदर अभी भी जेवर बचे हैं। तो मैं क्या इसको दोबारा से बालू यंत्र के ऊपर रख के इसको गर्म करूँगा, तो जो जितना भी इसके नीचे अभी जेवर बाकी बचे हैं चांदी के, सारे का सारा नाइट्रिक एसिड उससे खा जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है नाइट्रिक एसिड में चांदी को बरादा करने का। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि और भी आयुर्वेद के प्रति जो नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आप देखें, इसके अंदर मैंने जेवर डाले थे, अभी थोड़े से बचे हैं, बाकी काफ़ी हद तक इसको नाइट्रिक एसिड पूरी तरह खा चुका है। तो अब हम इसको बालू यंत्र के ऊपर गर्म करेंगे, फिर इस जितना ये पानी इसके अंदर हम 8 से 10 लीटर पानी एक प्लास्टिक की बाल्टी में डालेंगे और ये सारे का सारा नाइट्रिक एसिड उसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने ये जी दोस्तों यहाँ पे देखो, हमने ये नाइट्रिक एसिड के अंदर पानी डाल दिया था, 8 से 10 लीटर पानी मैंने डाला था इस बाल्टी में। अभी मैंने रात को मैंने इसके अंदर ये तांबे का एक पत्रा छोड़ दिया था। ये देखिए सारी की सारी चांदी जो है ये तांबे के पत्रे के ऊपर चिपक रही है। इसको मैं कलेक्ट करता जाऊँगा और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के देख लिया जाता है। अगर आपका नमक इसके अंदर दुधिया होता है, दूध देती है, तो इसका मतलब अभी इसके अंदर चांदी और भी बची है। जब तक आप सारी की सारी चांदी ना निकाल लें, थोड़ा सा चुटकी सा नमक इसके अंदर डाल के देखते रहें। तो बहुत आसान तरीका है, जो लोग भी चांदी का कुश्ता बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप नाइट्रिक एसिड से में से चांदी का बुरादा कर सकते हैं। ये देखें हमने इसमें से 30-35 ग्राम चांदी का बरादा हमें प्राप्त हुआ है टोटल। अभी उसके अंदर थोड़ी सी चांदी रह गई थी, अभी मैं थोड़ा सा और पानी डाल के उसके अंदर इस बाल्टी के अंदर दोबारा इसको भिगोऊंगा, क्योंकि इसको ये चांदी को धोना होता है। एक दो बार इसके अंदर अच्छी तरह से पानी से धो लें तो जो नाइट्रिक एसिड की जो बू है वो थोड़ी कम हो जाए, निकल जाती है लगभग। तो कृपया तो इसको बनाने के लिए बाज़ार से शुद्ध चांदी लें। शुद्ध चांदी सुनियारे से मिल जाती है, वहाँ से शुद्ध चांदी लेके आप नाइट्रिक कर लें, या फिर अगर आप अनजान हैं तो उन्हीं से, उनके पास सुनियारे होते हैं, उन्हीं से करवा लें। तो आप कोई भी कुश्ता बनाने के लिए आपको ये आसान विधि है, आप इसको नाइट्रिक एसिड में से निकाल के इसका बुरादा तैयार कर सकते हैं। हम इसके लिए आज एक कुश्ता तैयार करना चाहते थे, उसी के लिए नाइट्रिक एसिड में से ये चांदी निकाल रहे हैं। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद।